मेष फाइनेंस बायजेट। इन मेष राशि वालों को इस साल इनकम के नए सोर्स मिल सकते हैं। पैसों की आवक ठीक ठाक रहेगी। आपको कुछ शानदार फायदे हो सकते हैं। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उधार दिए गए पैसे इस साल वापस मिल सकते हैं। लेन देन और निवेश संबंधी जरूरी काम धीरे धीरे पूरे होंगे। आर्थिक परेशानियों से बचने के लिए आप अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे और बहुत तक आपको सफलता भी मिल सकती है। यहाँ रखिए सावधानी, आपको आर्थिक मामलों में सावधान रहना चाहिए। लेन देन और किसी भी तरह के निवेश को लेकर हिसाब किताब पर पूरा ध्यान दें। बड़े निवेश करने से भी बचना चाहिए, आपका खर्चा भी बढ़ा हुआ रहेगा। अक्टूबर 2018 में आपकी आमदनी में कमी आ सकती है। इस साल करें ये उपाय सेविंग और इनकम बढ़ाने के लिए। अपने घर की पानी की टंकी में शंख और चांदी का सिक्का डालें। वृष फाइनेंस बायजेट। पैसे कमाने के लिए आपको कई बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति मिलने की भी संभावना है। इस साल आपको इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों की मदद से धन लाभ हो सकता है। मई जून में आप अच्छे से सोच विचार करने के बाद निवेश करेंगे तो आपको अप्रत्याशित मुनाफा हो सकता है। साथ ही आप पैसे बचाने में सफल रहेंगे। यहाँ रखें सावधानी, आर्थिक मामलों में इस साल आपको सावधान रहना होगा। फालतू खर्चों पर कंट्रोल की जरूरत है। आर्थिक तंगी के कारण पारिवारिक जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। उम्मीद के मुताबिक आपको मुनाफा नहीं हो पाएगा। जनवरी में आर्थिक नुकसान के योग बन रहे हैं। शेयर, कमोडिटी और म्यूचुअल फंड के निवेश में जरूर रखें। कुछ खास जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। इस साल करें ये उपाय नुकसान से बचने और इनकम बढ़ाने के लिए। आंवले के पेड़ की पूजा करें। मिथुन फाइनेंस बायजेट। अक्टूबर 2018 तक आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नए इनकम सोर्स मिलेंगे जिनसे आपकी आय बढ़ेगी। जून से अक्टूबर के बीच आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। नौकरी और बिजनेस में भी फायदा बढ़ेगा। इंक्रीमेंट होगा, बिजनेस में रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। लॉटरी से आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस दौरान आप इस्पात, कपड़े, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स और पर्यटन से जुड़े कारोबार में पैसे लगाने से आपका फायदा बढ़ सकता है। यहाँ रखें सावधानी, लेन देन और निवेश में थोड़ी सावधानी जरूर रखें। कोई भरोसेमंद इंसान भी आपके साथ धोखा कर सकता है। जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। अनुभवी लोगों की सलाह से ही निवेश करें। इस साल करें ये उपाय आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए। हर बुधवार गणेश जी को दुर्वा और लड्डू चढ़ाएं। कर्क फाइनेंस बायजेट। आर्थिक मामलों में आपके लिए संतोषजनक समय रहेगा। एक्स्ट्रा इनकम के भी योग बनेंगे। जनवरी से मार्च तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इन दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक बदलाव होने के योग बन रहे हैं। शेयर बाजार और कमोडिटी से आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा हो सकता है। अपोजिट जेंडर के लोगों की मदद से धन लाभ हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। इंक्रीमेंट के भी योग बन रहे हैं। चल अचल संपत्ति खरीदने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर पैतृक संपत्ति के मामलों में भी फायदा हो सकता है। यहाँ रखें सावधानी, मेहनत ज्यादा हो सकती है, खर्चा भी बना रहेगा। इस तरह सेविंग नहीं हो पाएगी। इन दिनों में आपको कर्जा लेने से बचना चाहिए। पार्टनरशिप में होने वाले कामों में सावधानी रखनी होगी। इस साल करें ये उपाय, दूध में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और चढ़ाएं। सिंह फाइनेंस बायजेट। सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से अच्छा समय है। लगभग पूरे साल पैसों की तंगी नहीं होगी। रुका हुआ पैसा भी इन दिनों में मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से भी फायदा होने के योग बन रहे हैं। शेयर, कमोडिटी या किसी भी तरह के पुराने निवेश से फायदा होने की संभावना है। जमीन जायदाद संबंधी निवेश करने के योग बनेंगे। सेविंग भी बढ़ सकती है। प्रमोशन के साथ नौकरी पेशा लोगों की सैलरी भी बढ़ सकती है। मार्केट में लंबे समय के लिए पैसा लगाना आपके लिए अच्छा है। विदेशी व्यापार से भी अच्छा फायदा हो सकता है। इस साल आपकी सेविंग बढ़ सकती है।
इसके अलावा पैतृक संपत्ति बेचकर नया घर खरीद सकते हैं। इन दिनों में आप एक्स्ट्रा इनकम की कोशिश करेंगे और सफल भी हो जाएंगे। यहाँ रखें सावधानी, उधार लेन देन में सावधानी रखें। जोश में आकर कहीं भी निवेश करने से बचना चाहिए, फालतू खर्चा भी बढ़ा हुआ रहेगा। खुद पर कंट्रोल करने की जरूरत है। इस साल किसी भी तरह के बड़े निवेश में अनुभवी की सलाह जरूर लें, वरना पैसा उलझ भी सकता है। पैसों को लेकर छिटपुट विवाद होने की भी संभावना बन रही है। इस साल करें ये उपाय, हर रविवार तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं और चढ़ाया हुआ जल आंकड़े के पौधे में डालें। इससे आप आर्थिक विवादों से बच जाएंगे। कन्या फाइनेंस पॉजिटिव, इस साल आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों की इनकम बढ़ सकती है। कारोबार संबंधी यात्राओं का योग बन रहा है। विदेश यात्रा भी हो सकती है। इस साल सेविंग बढ़ाने में आप सफल रहेंगे। जनवरी में आपका फायदा बढ़ सकता है। चल अचल संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। नया कारोबार शुरू करने के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। इसमें आपको फायदा भी होगा। यहाँ रखें सावधानी, जोखिम भरे मामलों में निवेश करने से बचना होगा। वहीं साल के बीच में परिवार के साथ भी यात्रा के योग बन रहे हैं, जिसमें खर्चा बढ़ सकता है। बिजनेस में अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लेन देन और हिसाब किताब में सावधानी रखनी होगी। कोई भरोसेमंद इंसान ही धोखा दे सकता है। इस साल करें ये उपाय, पैसे रखने की जगह पर पीले कपड़े में फैग गोमती चक्र रखें। तुला फाइनेंस पॉजिटिव, इस साल आर्थिक मामलों में कुछ अच्छे सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। अक्टूबर 2018 आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मेहनत भी करेंगे। जनवरी से मार्च तक का समय आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा है। इन दिनों में आपकी इनकम अचानक बढ़ सकती है। आप नए कारोबार में भी निवेश की योजना बना सकते हैं, उससे आपको फायदा भी होगा। बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। कोई पुराना कर्जा भी आप चुका देंगे। पुराने निवेश से फायदा होगा। शेयर मार्केट और कमोडिटी से जुड़े लोगों को उम्मीद से ज्यादा फायदा भी हो सकता है। इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी और पद दोनों बढ़ सकते हैं। जॉब बदलने का मूड बना रहे हैं तो अच्छे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। यहाँ रखें सावधानी, साल के बीच में और सितंबर तक आप अपनी सुख सुविधाओं पर ज्यादा ही खर्चा कर सकते हैं। फालतू खर्चे होने से तनाव भी बढ़ सकता है। पार्टनरशिप में काम करने वाले वालों को सावधानी रखनी होगी। विवाद होने की संभावना बन रही है। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। इस साल करें ये उपाय, पैसे रखने के स्थान पर लाल चंदन या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। वृश्चिक फाइनेंस पॉजिटिव, आर्थिक मामलों में जीवन साथी की सलाह से आपको फायदा मिल सकता है। इस साल पैसे कमाने और सेविंग बढ़ाने के लिए आप ज्यादा मेहनत करेंगे और सफल भी हो सकते हैं। सितंबर से पहले आपको रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में निवेश कर सकते हैं, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हो सकता है। कुछ शॉर्ट टर्म निवेश होने की भी संभावना है, जिसका थोड़ा थोड़ा फायदा आपको मिलता रहेगा। यहाँ रखें सावधानी, आर्थिक स्थिति के मामले में अक्टूबर 2018 तक का समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। लेन देन और निवेश के मामलों में आपको सावधान रहना होगा। नया बिजनेस या कोई काम शुरू करने से पहले पैसों का अरेंजमेंट जरूर कर ले। फालतू खर्चों पर भी कंट्रोल करें। निवेश या लेन देन का कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना ले। किसी को उधार या कर्ज देते समय सावधान रहे। पैसों के मामले में आपके साथ धोखा होने की भी संभावना है। लॉटरी, सट्टेबाजी, शेयर और कमोडिटी के मामले में धन हानि की संभावना है। अक्टूबर 2018 में आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। इस साल करें ये उपाय, बुधवार को गणेश मंदिर में दूर्वा और गुड़धनिये का प्रसाद चढ़ाएं। धनु फाइनेंस पॉजिटिव, अक्टूबर 2018 तक नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों के लिए समय अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में भले से और सुधार होने के योग बन रहे हैं। पैसों की कमी नहीं रहेगी।
वाहन या किसी तरह की संपत्ति भी खरीदने के योग बन रहे हैं। एक्स्ट्रा इनकम के भी सोर्स मिलेंगे। चल अचल संपत्ति से आपको धन लाभ भी हो सकता है। लगभग इस 1 साल में आपकी सेविंग बहुत बढ़ सकती है, जिससे आने वाले दिनों में आपको बहुत मदद मिलेगी। पुराना निवेश इन दिनों में फायदा देगा। आप कीमती चीजें और ज्वेलरी में पैसा लगा सकते हैं। इन दिनों में किए निवेश से आने वाले दिनों में बड़ा फायदा होगा। यहाँ रखें सावधानी, आपका फालतू खर्चा भी बढ़ सकता है। अप्रैल और मई में सेविंग कम होगी। सरकारी कामों में पैसा लगने के योग है। किसी तरह का चालान या पेनल्टी लग सकती है, संभल कर रहना होगा। वाहन संबंधी खर्चा भी होने के योग बन रहे हैं। सुख सुविधा और मनोरंजन के नाम पर भी आप ज्यादा पैसा खर्चा कर सकते हैं। इस साल करें ये उपाय। गुरुवार को कन्या भोजन करवाने से बरकत बढ़ेगी। मकर फाइनेंस पॉजिटिव इनकम बढ़ाने के लिए आप ज्यादा मेहनत करेंगे और कुछ हद तक सफल भी हो सकते हैं। माता पिता और जीवन साथी का पूरा सहयोग भी आपको मिलेगा। पैसे के मामलों में सोच समझ कर फैसले लेंगे और इसका फायदा भी आपको हो सकता है। इस साल आपको बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। जिम्मेदारी वाले बड़े काम आपको मिल सकते हैं, जिनका आप सफलता से पूरा कर सकते हैं। यहाँ रखें सावधानी, इन दिनों आर्थिक मामलों में आपको संभल कर रहना होगा। अक्टूबर 2018 तक किसी भी तरह के बड़े फैसले ना करें। जो जैसा चल रहा है चलने दें। पैसों के मामले में यह समय उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। नौकरी या बिजनेस में नई शुरुआत के लिए समय ठीक नहीं है। इसके साथ ही कर्ज लेने और देने के लिए भी समय ठीक नहीं है। जमीन जायदाद से संबंधित परेशानी हो सकती है। खर्चे भी लगातार बढ़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों को संभल कर रहना होगा। सैलरी में उम्मीद से कम ही बढ़ोतरी होगी। कारोबार में किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें और बड़ा निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लें। सोच विचार कर ही कहीं पैसा लगाएं। इस साल करें ये उपाय। शुक्रवार को देवी मंदिर में मिठाई का भोग लगाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। फाइनेंस पॉजिटिव इन दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों की इनकम बढ़ सकती है। बिजनेस करने वालों को भी बड़ा फायदा हो सकता है। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स मिल सकते हैं। अपोजिट जेंडर वालों की मदद से भी धन लाभ हो सकता है। किसी तरह की चल अचल संपत्ति में पैसा लगेगा और उससे धन लाभ भी हो सकता है। पुराना कर्जा चुका देंगे। सेविंग बढ़ाने के लिए इंटरनेट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, शेयर और कमोडिटी आदि में निवेश करना आपके लिए शुभ रहेगा। आर्ट, डिजाइनिंग, फैशन, आर्किटेक्ट और निर्यात से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा हो सकता है। यहाँ रखें सावधानी, सेविंग बढ़ाने में मेहनत कुछ ज्यादा ही करनी पड़ सकती है। मार्च से जुलाई तक धन हानि होने की संभावना बन रही है। वहीं अक्टूबर के में भी आपकी इनकम में कमी आ सकती है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। इन दिनों में किसी भी तरह के कागजों पर हस्ताक्षर करने में सावधानी जरूर रखें। इस साल करें ये उपाय। गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं और गाय को रोटी देने से इनकम बढ़ेगी। मीन फाइनेंस पॉजिटिव सेविंग बढ़ाने के लिए भी लगातार मेहनत करेंगे। इसमें आप कुछ हद तक सफल भी हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में मार्च के बाद का समय आपके लिए थोड़ा ठीक हो सकता है। जून से अक्टूबर के बीच आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। दो तरफा इनकम के मौके भी मिल सकते हैं। इन दिनों में नौकरी पेशा लोगों की इनकम बढ़ सकती है। वहीं बिजनेस करने वालों को भी फायदे होगा। यहाँ रखें सावधानी, जनवरी से मार्च का समय निवेश करने के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अक्टूबर 2018 तक का समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। खर्चा भी लगातार बढ़ता रहेगा। बिजनेस करने वालों को फायदे के साथ नुकसान भी हो सकता है। पैसों के लेन देन में जोखिम ना ले। आर्थिक स्थिति को लेकर जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से भी बचें। लगभग पूरे साल आप पैसों के जोड़ तोड़ में लगे रहेंगे। आपको गैर कानूनी कामों से दूर ही रहना होगा। इन दिनों में जरूरी काम निपटाने के लिए आपको नहीं चाहते हुए भी कर्जा लेना पड़ सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए समय ठीक नहीं है। धोखा मिलने की भी संभावना बन रही है। प्रॉपर्टी में निवेश सावधानी से करें।
विवाद में फंस सकते हैं। इन साल करें ये उपाय, किन्नरों को कपड़े और पैसे दें, उनके आशीर्वाद से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।